बिहार में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी है। मोतिहारी में रक्सौल पुलिस ने छापेमारी के दौरान गायब हुए एक रिफाइंड तेल से भरे ट्रक को बरामद कर लिया है। इस लूटकांड में पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं लूटकांड में शामिल बाकी लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। डीएसपी संजय कुमार झा ने बताया कि ट्रक रक्सौल के गमहरिया चौक स्थित भारत पेट्रोलियम परिक्षेत्र से पुलिस ने ट्रक बरामद किया। ट्रक पर लदे रिफाइंड तेल को भी बरामद किया गया है। देखो, शराब विनष्ट करने का इतना प्रमाण मेरे हाथ क्या भेजा, उस 17 का है, 17 का मेरे था क्या? मामला है कि दिनांक 28/6/19 को आवेदक राजीव कुमार गुप्ता एक आवेदन थाना में दिए कि ये नेपाल से रिफाइंड पामोली जो है तेल, इसको लादे थे और उसको यहाँ के एक ट्रांसपोर्टर हैं, अजय जी से, अजय दुबे से ट्रक लिए थे और उस पर लाद के भिजवाए थे और वह ट्रक अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुँचा। इनको लगा कि इनके ट्रक का कोई माल सामान समाप्त कर दिया है, ये केस दर्ज कराया। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जो है ये अपना एक टीम बनाए और इस पर खोजबीन चालू की। अनुसंधान के क्रम में उसके मालिक महिला मालिक है, लेकिन उसके पति को जब पकड़ा गया, ट्रक का मालिक जो है मालकिन महिला है, उसके पति को जब पकड़ा गया तो उसे पूछताछ किया गया तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, हम अपने एक दूसरे चालक के माध्यम से और एक दूसरे व्यक्ति के। वहीं खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के मेघोना गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक भदास गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि युवक मेघोना गांव में एक व्यक्ति से बकाया रुपए लेकर लौट रहा था, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिली, पुलिस तुरंत पहुंची, वहां पर हम लोग पहुंचे। अपने ड्राइवर जो मेरा है, इनका गमछे से उनका बांधा गया और फिर गाड़ी में लोड करके जीएचसी लाए, फिर वहाँ से अपनी गाड़ी से फिर घाट पर ले आए। तो अभी वो क्या करते हैं जो जिनको गोली मारा ये मालूम है कि कोई तेजस मेडिकल हॉल यहाँ पे है, उसी में वो काम करता है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है, क्या विकास कुमार नाम है और पिता मुसहरू यादव, भदास गांव मुफस्सिल। अच्छा, क्या लगता है, परिजन से आपने बात किया है, क्या लग रहा है घटना का, क्या अभी कुछ नहीं बता सकते जब तक वो कुछ बोलते हैं, तब तक हम लोग। जिस तरह की सूचना आ रही कि कुछ रुपया लेने के लिए वो गए थे वहाँ पे। हाँ, वो पता चला कि जो बता रहे थे प्रणव कि वो प्रत्येक संडे को, प्राय संडे को जाते थे रुपया लेने के। आज सोमवार को। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण और खगड़िया से अमित कुमार की रिपोर्ट।